हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईव्स किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुंबई स्पेशल मसाला राइस। तो ये मसाला राइस काफी झटपट बन जाती है और ये मुंबई स्पेशल राइस है जैसे कि इसका नाम है, और इसमें वेजिटेबल्स डलेगा। काफी हेल्दी राइस है ये। मैं जैसे ये रेसिपी बना रही हूँ वैसे ही आप इसको फॉलो कीजिए और ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। और अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए ताकि अगली आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं हमारा मुंबई मसाला राइस। तो मैंने लिया है बासमती चावल 2 ग्लास भर के, फिर मैंने लिया है मटर, फ्रोजन मटर लिया है मैंने, दही 1 कटोरी, कोरिएंडर लीव्स, नमक, घोड़ा मसाला, जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची, तेल, प्याज उसको बड़ा चॉप किया है, गाजर उसको लंबा स्लिट किया है, कड़ी पत्ता, आलू हमने आलू को भी बड़ा चॉप कर लिया है। तो चलिए अब हम हमारा गैस ऑन करते हैं और उस पर हम रख देंगे कुकर, क्योंकि हम चावल कुकर में बनाने वाले हैं। इसमें हम डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन, ज़ीरा और कटी हुई हरी मिर्च। लहसुन हमने 6 से 7 ले लिया है और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इसको हमने अच्छे से चला लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे वेजिटेबल्स। इसमें डालेंगे हम प्याज, मैंने मोटा चॉप कर लिया है इसको। अब इसमें जाएगा कड़ी पत्ता, गाजर, आलू और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस वक्त चाहिए तो आपके घर में गोभी या कॉर्न रहेगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डाला है मटर इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। अब मैंने इसमें डाला है नमक सीजनिंग के लिए। हम नमक डालने के बाद भी इसको चला लेंगे 2 से 3 मिनट। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है हमारी सब्जी। अब इसमें हम डालेंगे घोड़ा मसाला। ये मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है तो आप ये तकरीबन 2 टीस्पून डाल दीजिए। इसको हम अच्छे से करते हैं मिक्स। ये देखिए मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारी सब्जी में। अब हमने 1 कटोरी भर के दही है इसमें, इसको भी अच्छे से हमने कर लिया है मिक्स। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है हमारा वॉश किया हुआ चावल। हमने इसको 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी में धो दिया है। ये देखिए हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे करके मिला लेंगे और इसको मसाले के साथ पका लेंगे। हमने धनिया पत्ता डाला है इसमें, कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए इसमें डालने से क्या होता है कि आपके चावल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसको भी अच्छे से चला लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 4 ग्लास पानी, क्योंकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए हुए थे इसलिए हमें पानी उसका डबल डालना होगा। तो ये मैंने डाल दिया है 4 ग्लास पानी और उसको अच्छे से वापस हम मिला लेते हैं। आप सब्जियों में कैरेट यूज़ कर सकते हो, ग्रीन पीस यूज़ कर सकते हो, आप कॉर्न यूज़ कर सकते हो, आपको जो मर्ज़ी आए आप यहाँ पे आपका मनपसंद वेजिटेबल डाल सकते हो। तो अब हम इसको उबाल आने देंगे और बीच बीच में हम इसको चला देंगे। ये काफ़ी टेस्टी बनती है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। तो देखिए हमने अच्छे से उसको चला दिया है और अब हम कर रहे हैं हमारा कुकर का ढक्कन बंद। इसको मैंने फास्ट फ्लेम पे रखा हुआ है और 1 से 2 सीटी में ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। ये देखिए हमारा चावल पक के तैयार है। वाओ, और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप इसको घी के साथ सर्व कीजिए बच्चों के लिए। इस पे मैंने डाल दिया है कोरिएंडर लीव्स। अपना मुंबई स्टाइल मसाला राइस विथ वेजिटेबल तैयार है।